अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अंधेरा ही है, और मैंने अंदर टीवी पे भजन छोड़े हुए हैं और इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट रखी है। और सुबह का मौसम एकदम शांत वाला है, तो आज शिवरात्रि है, तो मैंने सोचा आज सुबह थोड़ा जल्दी उठा जाए और जो है स्वच्छता अभियान पे काम जो है शुरू किया जाए। और ये देखो, मुझे अकेले डर लग रहा था तो थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लेते फ्रंट कैमरा से आपके लिए। और मैंने रोड लगाई हुई थी तो पानी हो चुका है गर्म, तो फटाफट से नहा लेते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा पूजा आरती करेंगे फ्रेश होके। तो ये बंद हो गया स्विच और नहाते हैं, और सुबह एकदम लाइटें जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं, एकदम सन्नाटा है, शांत माहौल है चारों तरफ। और किचन की मैंने पिछले कल ही सफाई कर दी थी, तो सुबह मुझे ज़्यादा जो है कष्ट नहीं लगा है ना, सिर्फ झाड़ू ही लगाने का काम था, बाकी ज़्यादा नहीं। और नहा धो के मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, तो शिव जी की पिंडी धोने के लिए एकदम फ्रेश वाटर लाना पड़ता है ना, तो एकदम फ्रेश वाटर ताज़ा जो है मैंने पिंडी धोने के लिए भर लिया। और थोड़े से ताज़ा फूल ले लेते हैं, ये हमारी बाड़ी में लगे हुए हैं, तो इसके बाद चलते हैं और जो है पिंडी को स्नान करवाते हैं। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, जय शंकर की हाल चाल आपके। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली मस्त होगी, और मेरी और से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी महाशिवरात्रि। और आई हूँ, आप भी बोल दो। और कुछ नहीं, मैं शिवरात्रि के दिन बहुत ही खुश हूँ। हाँ, खुश है ये। और पिछले कल ही हमने जो है पूरा घर चमका दिया था, है ना। तो यूट्यूब फैमिली, अभी सुबह जो है व्लॉग जो है आपके लिए मैंने शूट करा है, आपने आगे अभी देख ही लिया। तो अभी दिन के बज रहे हैं कितने, 10 बज रहे हैं अभी। और तो सुबह मॉर्निंग में ही जल्दी उठ गई थी मैं, कोई मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, और बाद में ये जनाब भी उठ गए, है ना। तो यूट्यूब फैमिली, तो ये क्या बोलते, जो मेरी यूट्यूब पूरी यूट्यूब फैमिली है, हैप्पी शिवरात्रि। और जो सबकी ये जो है मनोकामनाएँ, जो इच्छाएँ है ना, सबकी पूर्ण हो इस शिवरात्रि के उसमें पर्व में। तो यूट्यूब फैमिली, चलिए चलते हैं और आज के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और पिछले 1-2 दिन पहले जो है घर का सामान भी आ गया है पेंट पुंट करने का, तो चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। और कुछ दिनों के बाद ऊपर वाले जो रूम्स है ना, वहाँ पे पेंट करना है, वहाँ पे पेंट करना है, तो वाले रूम्स भी हम चमका देंगे, ताकि जो जल्दी से जल्दी जो किराएदार हैं वो भी आ सकें और ऊपर वाले रूम्स में बैठ सकें, है ना। तो बड़े दिनों से जो है पेंटिंग पड़ा हुआ था ऊपर का काम, तो चलिए अब पेंट भी आ गया है, तो धीरे धीरे कुछ दिनों में पेंट करना भी स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी से जो है अपने किराएदारों को भी बिठाएंगे घर में। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरी यूट्यूब फैमिली के क्या हाल चाल हैं, और शिवरात्रि पे देखते हैं क्या है आज, क्या आपका प्रोग्राम बनता है भक्ति का। और गांव में सत्संग भी है, तो हम वहां भी जाएंगे, देखते हैं ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, नहीं तो हम यहां घर में ही जो है भजन कीर्तन स्टार्ट कर देंगे, है ना, है ना। हाँ, तो चलिए चलते हैं यूट्यूब फैमिली, आज के इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और जय शंकर। तो ये कुछ इस हिसाब की रही रूम्स की दीवारें, और चमकाते हैं इनको बहुत जल्द, दूसरे रूम में लेके चलते हैं आपको। और और यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट्स में आया था आपने लाइटिंग वगैरह नहीं की है, तो ये हमने रूम्स रेंट पे रखे हुए हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा इसमें बीच से लाइटिंग नहीं करी है, सिर्फ साइड से ही रखी हुई है, तो इसलिए हमने सिर्फ सिंपली पीवीसी करी है, इसमें लाइटिंग नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रूम्स रेंट पे है ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं किया है लाइटिंग वगैरह का इसमें। तो इधर इस साइड भी हालत ख़राब है दीवारों पर, इस साइड ये
क्या अच्छा तो ये ओके ओके तो यहाँ पे ऑलरेडी है अभी एक किराएदार बैठे हुए, आजकल है नहीं ना वो यहाँ पे, जैसा कि शिवरात्रि है तो छुट्टी पे घर गए हैं। तो यहाँ इस रूम में भी इधर हालत टाइट है, तो चलिए कोई नहीं बहुत जल्द जो है कितने खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं और गाड़ी में थोड़ा सा स्कूटी में ऑयल डलवा लेते हैं, गाड़ी में नहीं, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है मामू को, तो जल्दी से डलवाते हैं तेल और चलते हैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं मोमोज। हैप्पी शिवरात्रि। ओके हैप्पी शिवरात्रि। भी आयु को जबरदस्त वाली सुसु लगी है, तो हम पहुंच चुके हैं थोड़ा सा घर से दूर यहाँ पार त्रेला साइड। आयु शेम शेम होगी बेटे, हिशी आई थी। तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि रोड कंजस्टेड सा है ना, तो इसलिए इन बड़ी गाड़ियों को जाने देते हैं और फिर चलते हैं अपने वतन की ओर आगे। जय शंकर। मजा आ रहा है आपको? यस। ओके तो चलते हैं। तो अभी वो पानी है पीरी, आगे रास्ता खराब है। तो रास्ता सही हो गया है। मेरी फैमिली, मैं और आयु पहुंच चुके हैं लोकेशन की ओर। तो ये रहा माता रानी का मंदिर, और जब हम वापस जाएंगे ना तो रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर भी पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको भी दर्शन कराते हैं। तो आयु तो एकदम मस्त हो चुका है। आयु कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? जय शंकर बोल दो। तो यहाँ पे नाग देवता जी का मंदिर है भगवान का, तो चलते हैं तो जय जय कर लेते हैं भगवान जी की। ये रहा जय भगवान जी। तो पहले हम थोड़ा धूप वगैरह जला लेते हैं, फिर जो कि दर्शन करते हैं भगवान जी के। ये इधर भी जय भगवान जी, ये बंद है ना तो इसलिए अंदर अच्छे से नहीं दिखा पा रही मैं आपको। तो यहाँ पे बैरागढ़ जातर होती है, बहुत ही मस्त वाली। तो अभी फिलहाल के लिए स्कूटी यहाँ सीधा हम ऊपर ही लेके आ गए। तो पहले थोड़ा दर्शन करते हैं भगवान जी की, पूजा आरती करते हैं और थोड़ी देर के बाद निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो घर की लोकेशन दिखाती हूँ, घर से हम कितना दूर आए हैं। तो बिल्कुल सामने वो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना इस रेंज में, और घर की ओर मैं जूम करती, ये रहा मेरा घर, ये दिख रहा है ना आपको ये। तो इतनी दूरी पर आए हम, और ये हमारा एरिया और वो वाला एरिया आमने सामने पड़ता है, आर पार या वार पार बोल सकते हो आप। तो यहाँ के ऊपर मस्त मस्त पहाड़ियाँ, और ब्यूटी फैमिली बर्फ़ इस बार बहुत ही कम पड़ रही है, और जिसकी वजह से जो ठंड है वो भी नहीं हो रही। तो आपने देखा है मैंने जैकेट नहीं डाला है, डाला हुआ था बट नहीं डाला क्योंकि धूप का सेक बहुत ही ख़तरनाक वाला है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा वाली हो रही है। आइए बताओ कैसा लग रहा है आपको? हैं बता जल्दी। ठीक है तो थोड़ा करते हैं एंजॉय करते हैं, थोड़ा जय जय कर लेते हैं भगवान जी की। और फिलहाल के लिए यहाँ ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है, तो माता रानी का दरबार भी बंद होता है। तो चलिए चलते हैं और कुछ खा लेते हैं क्योंकि दर्शन कर लिए हमने, तो अब घर चलते हैं सीधा, कुछ खाते पीते हैं फिर चलते हैं। आए चल, ये तो मस्त ही हो गया यहाँ, चलो। तो अभी के लिए हम समोसे खाने आए हैं, तो समोसे खाते हैं फिर चलते हैं, उसके बाद खाओगे ना? जल्दी से खाते हैं क्योंकि अब भूख लग पड़ा है, तो ड्राइव करने के लिए चाहिए।
तो समोसे तो आ गए और यहाँ पे मेरी फ्रेंड के मंगेतर बैठे हुए हैं जीजू जी, तो ये भी मिले। थोड़ी देर हमने बातचीत करी जीजू के साथ। तो अभी आयु गया है अपने लिए बाजी लाने, हर टाइम ये बाजी खाता रहता है। आ जाओ जल्दी, क्या खरीदा? जल्दी जल्दी तो चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है भोलेनाथ जी, तो भोले से मिलते हैं। आई जैकेट पकड़ा दो मेरी, दे दो। तो चलो जय जय कर लो जय जय। आ जा पैर, इधर आ पैर छू इधर, ऐसे जय भोलेनाथ। तो अभी गाजर ले लेते हैं और गाजर का हलवा बनाएंगे शिवरात्रि स्पेशल, क्यों भोलेनाथ को मीठा खिलाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और स्कूटी भी साथ में लगा दी है। तो क्या टकाटक नहीं खाना, खा लो आप। फिलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। और शाम का क्या प्रोग्राम रहता है, भजन कीर्तन आरती देखते हैं हम, सत्संग में जाते हैं या नहीं जाते हैं या घर में ही पूजा कीर्तन करते हैं सब कुछ। तो फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी और व्लॉग बहुत ही शायद मेरे ख्याल से लंबा हो गया, बन गया 8-10 मिनट का, तो मैं इस व्लॉग को आपके लिए अपलोड कर देती हूँ। और फिलहाल के लिए रेस्ट भी कर लेती हूँ क्योंकि स्कूटी चला के थक लगी है बहुत ही ज़्यादा और धूप भी एकदम ज़बरदस्त वाली लगी है और गर्मियाँ बहुत ही जल्द आने वाली है जो कि घोषणा हो चुकी है पहले से ही। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के इस शिवरात्रि के व्लॉग को आपके लिए अभी अपलोड कर देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय शंकर जय माता दी।